घर की गेट पर काले बुरखे में बैठी इस लड़की की कहानी केरला स्टोरी से कम नहीं है। आज जो लड़की मुस्लिम लिबास में बैठी है, दरअसल ये यूपी की रहने वाली है और कभी हिंदू हुआ करती थी। इसकी कहानी द केरला स्टोरी से काफी मिलती जुलती है। इसकी गलती बस इतनी है कि इसे मोतिहारी के मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया। ये लड़का पहले तो प्यार का झूठा नाटक करके इसे दुबई बुलाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसके साथ शादी करता है और शादी के 4 साल बाद उस लड़की को दुबई में छोड़कर उसके सारे गहने, पैसे और पासपोर्ट सहित अन्य सभी सामान लेकर मोतिहारी के तुरकौलिया आकर रहने लगता है और यहाँ दूसरी शादी की तैयारी कर लेता है। दुबई में जब लड़की को अपने पति की बेवफाई का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो किसी तरह अपना पासपोर्ट बनवाती है, कर्ज लेकर भारत आती है और जब लड़के के गांव पहुंचती है तो उसे पूरी कहानी का पता चलता है कि यहां तो उसका पति दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था। मैं और वो दोनों हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, एक ही में ट्यूशन में, और फिर साथ में पढ़ते थे। उधर ही मैं जॉब भी करती थी, बर्गर किंग में मैं जॉब करती थी, ठीक है, ये डोमिनोज में जॉब करता था। दोनों का साथ में बैठना उठना था, बाहर जाना घूमना फिरना सब कुछ। उसके बाद ये 2018 में ये दुबई चले गए, फिर इन्होंने 2019 में मुझे मेरा पासपोर्ट बनवा के मेरा वीजा टिकट सब कुछ देख कर दुबई बनाया, ठीक है। दुबई में बुला के इन्होंने मुझसे एक पेपर इन्होंने बनवाया था, उस पेपर पे इन्होंने साइन करवाया, वो शादी का पेपर था, ठीक है, निकाह का पेपर था। फिर उसके बाद दुबई में मैं पहुंची तो उन्होंने मुझसे इस्लाम कबूल करवाया कि तुम इस्लाम कबूल करो तो मतलब हमारे घर में रहोगे, हमारी अम्मी तभी एक्सेप्ट करेंगी। तो उसके बाद में फिर मेरे पासपोर्ट पे इनका नाम डलवाया इन्होंने एज अ हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद में ये मैं 4 साल इनके साथ वहां रही, मैं उधर जॉब करती हूँ सैलून में और ये उधर KFC में जॉब करते हैं। 4 साल हम दोनों साथ में रहे, एक ही रूम में रहे, हजमी या बीबी थे दोनों, एक ही साथ रहे उधर। उसके बाद 4 साल बाद ये उधर से भाग आए, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी अम्मी के पास आई थी घर पे। उसके बाद पीछे से ये सारा सामान लेके उधर से भाग आए। मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, मेरे स्कूल की डिग्री थी सारी, मेरा जो निकाह का पेपर था वो भी था उसमें, मेरे पैसे थे, 5 लाख रुपये मेरा कैश था, ठीक है, और दूसरा मेरा कैश भी था, मेरे जेवरात भी थे कुछ, वो सारा कुछ लेके घर का सारा सामान बेच कुछ के ये इधर चले आए। यहाँ पे आके इन्होंने शादी कर ली दूसरी, ठीक है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चला तो मैंने लोगों से इधर कॉन्टेक्ट किया सबसे बिहार में इनके गांव में, फिर लोगों के सामने मैंने सारी बातें रखी अपनी, मैं इधर आई हूँ इनके घर पे, मुझे इनके घर में रहना है, इनके साथ रहना है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने तो अपना धर्म जात अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा है इनके लिए, तो अब ये मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम हमारी बीवी नहीं हो। पूरे मामले पर गांव के सरपंच क्या कह रहे हैं सुनिए। लेकिन कल पता चला कि इन लोगों का बहुत पहले से रिलेशनशिप चल रहा है और ये लोग भाई पति पत्नी के तरह ये लोग दुबई में भी रहा कुछ दिन, दिल्ली में भी। कल ये लोग आया तो सारी बात का डिटेल पता चला और डिटेल पता चलने के बाद हम लोग कहें कि भाई किसी तरह इस मामला को मैनेज कर दिया जाए ताकि दोनों परिवार बसे। लड़के वाले से बात हुई आपकी? बातें वो कर रहे हैं कि हम रखने से इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। अब आगे क्या होगा? आगे अब पुलिस अब इनके ऊपर है, लड़की के ऊपर है कि आगे अब जो करना होगा अपना करें। सामाजिक स्तर पे, गांव के स्तर, सामाजिक स्तर पे बहुत दबाव उन पे डाला गया लेकिन सिर्फ ना करते रहे। मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपी लड़के के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है और लड़का फिलहाल फरार है। उनके पति तालिफ राजा दूसरी शादी कर रहे हैं और उनके ससुराल वाले उनको घर में नहीं रख रहे हैं और प्रताड़ना कर रहे हैं। इस संबंध में तुरकौलिया थाना में उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और कुल 5 नामजद अभियुक्त में से 3 अभियुक्त को पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार किया है और मामले न्यायालय में अग्रसारित किया है, जिसमें तालिफ राजा के 2 भाई और उनके पिताजी इसमें हैं। क्या है मामला? क्या मामला इसमें है कि उनके पति दूसरी शादी कर रहे थे और जो प्रीति कुमारी है 2019 में दुबई में जाकर शादी किए हैं तालिफ राजा से। उसके पहले भी काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे जिनके द्वारा उनके द्वारा यह बताया गया था ना, और अब दूसरी शादी कर रहे थे, इनकी मर्जी नहीं थी और प्रताड़ना संबंधित शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उनके ससुराल वालों के द्वारा किया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस संबंध में सूचना नहीं है लेकिन संभवतः लड़की वापस अपने घर चली गई है। हाँ, अग्रतर अनुसंधान जारी है, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द जो उनके मुख्य अभियुक्त हैं लड़के उनको भी गिरफ्तार किया जाए।
इस लड़की की कहानी द केरला स्टोरी से हूबहू मिलती फिलहाल दिखाई दे रही है। देखना होगा कि मामले में बदमाश लड़का कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है।